गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायो के मेडिक्सर। डियर गाइस, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन एंड आफ्टर दैट इन दिस वीडियो वी विल प्रोसीड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्केन इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट द कंबशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, कंबशन क्या होता है हमको इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में पढ़ना है। कंबशन किसे बोलते हैं? तो देखिए, सबसे पहले कंबशन का क्या मतलब होता है? कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आपको पता है कि कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ओके गाइस, तो देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे एक बहुत ही सिंपल सा मजेदार एग्जांपल लिखा हुआ है मीथेन का। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। देखिए, एक बात आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी भी नॉर्मली अल्केन का रिएक्शन अल्केन का फॉर्मूला क्या है? CH CN H2N प्लस 2, ये अल्केन का फॉर्मूला है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो कन्फर्म हमको दो चीज़ तो मिलेगा ही, एक मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक मिलेगा H2O। ये कन्फर्म प्रोडक्ट है, यानी किसी भी अल्केन का, चाहे वो किसी भी हाइड्रोकार्बन का हो। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे अल्केन का फॉर्मूला लिया हुआ है। अगर आप लोगों ने किसी भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला लिया, जैसे कि अल्केन का लिया, अल्कीन का लिया, अल्काइन का लिया, कोई भी एग्जांपल लिया, और अगर आप लोगों ने सिंपल उसका ऑक्सीडेशन किया है तो आपको यही दो कन्फर्म प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस इसके साथ थोड़ा सा आपको हीट एनर्जी का भी एडिशन करना होगा, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी। ठीक है गाइस, तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी अल्केन का अगर रिएक्शन करते हैं हम तो हमको ये मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है, अल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन। गाइस, डाइऑक्सीजन को ही हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, दिस आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, तो इसमें कन्फर्म है कि इसमें हीट एनर्जी का प्रोडक्शन तो होगा ही। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए, कोई भी एग्जांपल लीजिए, आप एग्जांपल मीथेन का लीजिए, ब्यूटेन का लीजिए, डेकेन का लीजिए, वॉट एवर मे बी द टाइप ऑफ अल्केन यू हैव टेकन, यू विल ऑलवेज ऑप्टेन व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। जस्ट आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और है। देखिए, यहाँ पर मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। जनरल फॉर्मूला आपको बताया गया है सिलेबस में। इसका अगर आप लोगों ने इसको याद कर लिया तो आप किसी भी अल्केन को बिना मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन के आप आराम से उसको बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये है अल्केन का जनरल फॉर्मूला। आप लोग देख लीजिए कि कार्बन कितने हैं, N है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2N प्लस 2 है। ठीक है, तो देखिए, तो ऑक्सीजन कितना रहेगा? अगर कार्बन की वैल्यू N है तो ऑक्सीजन रहेगा 3 times of N plus 1 divided by 2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहेगा? जितना कार्बन है यानी N टाइम्स ऑफ कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी N टाइम्स रहेगा, प्लस N प्लस 1 यानी उससे एक ज़्यादा रहेगा H2O। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं इसको बैलेंस करके बताता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने हेक्सेन लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ C6, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा 14। देखिए, 6 to 12 plus 2 14। अब अगर इसका रिएक्शन करना है ऑक्सीजन के साथ, तो अगर इसका रिएक्शन करना है ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीजन कितना होगा? देखिए, ऑक्सीजन होगा O2। अब ऑक्सीजन हम लोग कितना लेंगे? तो हम लोगों ने N की वैल्यू कितना लिया हुआ है? 6 लिया हुआ है। देखिए, N की वैल्यू कितना लिया हुआ है हम लोगों ने? 6 लिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 6 18 18 प्लस 1 19 दैट इज 19 अपॉन 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 19 अपॉन 2 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? फिर से लिख रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए, मैंने लिया था हेक्सेन, तो हेक्सेन का फॉर्मूला ऐसा होगा C6H14। ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं और ये कंफर्म है कि हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा हमको? मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये हमको मिलने वाला है। हमको बैलेंस करना है रिएक्शन को। तो देखिए, मतलब N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 6 है। तो फिर ऑक्सीजन में N की वैल्यू पुट कर दीजिए, 6। तो 6 3 18 18 प्लस 1 19 19 अपॉन 2। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 19 अपॉन 2। ये हो गया ऑक्सीजन का वैल्यू, 19 अपॉन 2 हो गया ऑक्सीजन की वैल्यू। तब देखिए, कार्बन के नंबर यहाँ पर N है, यहाँ पे कार्बन का नंबर 6 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 times CO2 और ये हो जाएगा 6 plus 1 7 H2O। देखिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। आप इसको आराम से बैलेंस कर लीजिए, रिएक्शन ऑलवेज गेट बैलेंस। सो इन दिस वे यू कैन बैलेंस एनी टाइप ऑफ अल्केन रिएक्शन, ओके, बाय यूजिंग कंबशन। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे और क्या लिखा हुआ है इसमें।
देखिए, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। देखिए, अल्केन्स को हम लोग जनरली फ्यूल्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा हीट एनर्जी का रिलीज होता है और हीट एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, किसी न किसी रूप में तो हीट एनर्जी का हम लोग यूज़ करते ही हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखिए। इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑब्वियसली अगर हीट बाहर निकल रहा है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगा, है ना। देखिए और क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अल्केन विद इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन कार्बन ब्लैक इज फॉर्म विच इज यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ इंक प्रिंटर इंक ब्लैक पिगमेंट एंड फिल्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोगों ने इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड किया और अगर उसमें हम लोगों ने अल्केन को जलाया, कंबस्ट किया, तो उसमें कार्बन ब्लैक मिलता है, बहुत ही ब्लैक कलर का रहता है। अगर आप लोगों ने टाइपराइटर का या प्रिंटर मशीन का या जेरोक्स मशीन का अगर आप लोगों ने इंक देखा होगा तो गाइस आपको बता दूं कि वो इंक इसी से बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इस तरफ आ जाते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन का एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें CH4 का रिएक्शन O2 के साथ हो रहा है। इनकम्प्लीट रिएक्शन लिखा हुआ है। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब ऑक्सीजन इनसफिशियंट है, इसीलिए तो ऑक्सीजन को बैलेंस तो किया हुआ है। देखिए इसमें क्या बन रहा है, कार्बन सॉलिड प्लस H2O, H2O लिक्विड, तो कार्बन सॉलिड मतलब कार्बन ब्लैक बन रहा है इसमें। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ऑक्सीडेशन देखा था, अब हम लोग कंट्रोल ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखिए, अल्केन्स ऑन हीटिंग विद अ रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट गिव्स अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा कि अगर हम लोगों ने कैटलिस्ट का यूज़ किया और कैटलिस्ट का यूज़ करके हम लोगों ने बहुत ही हैवी प्रेशर में अगर ऑक्सीडेशन कराया तो वहाँ पर हमको जो है एक सुटेबल प्रोडक्ट मिलता है। देखिए जैसे कि CH4 का रिएक्शन O2 के साथ किया, CH4 का रिएक्शन O2 के साथ किया तो हमको क्या मिल रहा है, मिथेनॉल मिल रहा है। ये जो हेडिंग है कंट्रोल ऑक्सीडेशन, गाइस आप लोग को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, दो तीन एग्जांपल याद कर लेना आपको कि अगर हम लोगों ने कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराया किसका, मीथेन का, अगर कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराया हम लोगों ने तो हमको मिथेनॉल मिलने वाला है। अगर मीथेन का कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराया तो हमको मिथेनॉल मिल जाएगा। अगर मीथेन का वापस कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराया तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, मिथेनल प्लस H2O मिल रहा है। ये मिथेनॉल है और ये मिथेनल है। देखो रिएक्टेंट दोनों सेम है, रिएक्टेंट आर सेम, बट वाई प्रोडक्ट गेट डिफरेंट, बिकॉज वी हैव यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट हियर। देखिए हम लोगों ने पहले में कॉपर यूज़ किया हुआ है, टेम्परेचर 523 केल्विन और 100 ATM प्रेशर। दूसरे में मॉलिब्डेनम ऑक्साइड यूज़ किया हुआ है और हीट। तो आप एक काम कीजिए, ये दोनों एग्जांपल याद कर लीजिए कि अगर रिएक्टेंट सेम है, अगर हम लोगों ने कैटलिस्ट को चेंज कर दिया कंट्रोल ऑक्सीडेशन के दौरान तो हमको दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अब थोड़ा आगे देखते हैं और कौन सा एग्जांपल तो बहुत से होंगे, मगर आपको दो तीन एग्जांपल याद करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरली अल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट अल्केन्स हैविंग टर्शियरी हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय पोटेशियम परमैंगनेट। एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर हम लोगों ने टर्शियरी अल्केन यूज़ किया, देखिए अगर हम लोगों ने टर्शियरी अल्केन यूज़ किया, 2-methylpropane है, 2-methylpropane का स्ट्रक्चर आपको अगर याद आ रहा होगा तो कैसे होता है, प्रोपेन के सेकेंड कार्बन पर हम लोग मिथाइल रख देंगे तो वो बन जाएगा 2-methylpropane। ठीक है, यानी मैं बना के बता रहा हूँ, ये हुआ CH3, ये हुआ CH3। देखिए ये प्रोपेन हो गया, अब यहाँ पर अगर मैंने CH3 लगा दिया तो देखिए क्या फॉर्मूला बना, एक मिनट, जस्ट वेट। अगर मैं फिर से बना रहा हूँ, 2-methylpropane है तो कुछ सभी पेंटिंग मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, 2-methyl अगर प्रोपेन बोल रहा है यहाँ पर, अगर नाम अगर 2-methylpropane का बताया गया है तो चलिए पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं अपना स्ट्रक्चर बनाता हूँ, CH, यहाँ पर CH3 रहेगा, यहाँ पर CH3 रहेगा और यहाँ पर भी CH3 रहेगा। तो देखिए गाइस, तीन बार CH3 हो गया, एक बार CH3, दो बार CH3, तीन बार CH3 हो गया और ये CH, वही एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं ये वाला, अगर लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो इसका नाम होगा 2-methylpropane। तो देखिए 2-methylpropane का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया गया है। अगर हम लोगों ने टर्शरी, देखिए टर्शरी क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये टर्शरी अल्केन हुआ, तो इसका अगर हम लोगों ने KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया तो हमको क्या मिल रहा है, 2-methylpropane-2-ol, मतलब कि हमको टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है। करस्पॉन्डिंग अल्कोहल कहने का क्या मतलब है, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल का मतलब है कि आप लोगों ने जैसा अल्केन लिया है वैसा अल्कोहल मिला, मैंने टर्शरी अल्केन लिया है तो मुझे टर्शरी अल्कोहल मिला, इसका मतलब हुआ करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलेगा। समझ में आया, मगर याद रखिएगा कि हमको
कि MnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा, किसका, टर्शरी का। तो चलिए गाइस, इतना मतलब तीन दो तीन एग्जांपल हम लोग पढ़ लिए, हम लोगों ने पढ़ लिया, उतना काफ़ी है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, कंट्रोल ऑक्सीडेशन पढ़ लिया। तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म या आइसोमराइजेशन। तो गाइस, आइसोमराइजेशन क्या होता है, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए, आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है, जनरली आइसोमर का किसको बोलते हैं, आइसो का मतलब होता है सेम, और मर का होता है यूनिट। आइसोमर यानी कि सेम यूनिट, मतलब अगर हम लोग डेफिनेशन दें आइसोमर का, तो उसको बोलेंगे कि दोज कंपाउंड विच आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, एक जनरल टेंडेंसी होती है डेफिनेशन की, कि जिसमें मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है मगर स्ट्रक्चर अलग 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 दिखता है, तो हम लोग इसको आइसोमर कहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान ये बनता है, तो हम उसको आइसोमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमको ये एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है। इसमें देखिए एन हेक्सेन दिया हुआ है, और एन हेक्सेन को अगर हम लोगों ने एनहाइड्रस यानी कि एकदम ड्राई NaNHy, इसका क्या मतलब होता है, ये एनहाइड्रस कहने का मतलब होता है पूरा ड्राई, पूरा सूखा हुआ। ठीक है, तो एनहाइड्रस Al3Al3 की प्रेजेंस में अगर हम लोगों ने हेक्सेन का रिएक्शन किया, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। पहला मिल रहा है 2-methylpentane और दूसरा मिल रहा है 3-methylpentane। देखिए इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ मिथाइल की पोजीशन चेंज हो रही है। देखिए ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड हुआ, दिस इज द स्ट्रेट चेन अल्केन। ठीक है, अब इसका जो कन्वर्शन है वो डायरेक्टली किस में हो रहा है, ब्रांच कंपाउंड में। देखिए यहाँ पर ब्रांच कंपाउंड हुआ, ये स्ट्रेट चेन हो गया जिसमें 5 कार्बन है, गिन लीजिए 5 कार्बन है, नहीं सॉरी इसमें 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, एक मिनट, इसमें 5 ही कार्बन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 कार्बन। देखिए ये 5 कार्बन हो गया, स्ट्रेट चेन में है, और सेकेंड कार्बन पर ये मिथाइल अटैच है, इसलिए क्या नाम दिया गया है, 2-methylpentane। ओके, और जरा इसमें देखिए, इसमें भी 5 कार्बन है, देखिए इसमें भी 5 कार्बन है, मगर इसमें थर्ड पोजीशन पर मिथाइल दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हुआ 2-methylpentane, इसका नाम हुआ 3-methylpentane, और इसका नाम हुआ हेक्सेन। अगर आप तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप चेक करेंगे, तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सामने यही बनेगा, C6H14 ही बनेगा कंफर्म। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, मगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में अंतर आ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में और HCl के प्रेजेंस में इसको हम लोगों ने रिएक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आइसोमराइजेशन हुआ। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट आइसोमर्स का बनना। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोग याद कर लेंगे, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये आइसोमर का एग्जांपल हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड का बनना। देखिए गाइस, एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जनरली एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग बोलते हैं जिसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर आ जाता है, वो एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन अल्केन हैविंग 6 or more than 6 कार्बन एटम्स ऑन हीटिंग टू 773 केल्विन एट 10-20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि अगर हम लोगों ने किसी भी अल्केन को जिसमें 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन है, अगर हम लोगों ने उसको हीट किया, तो डेफिनेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड में। देखिए यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला एग्जांपल देखिए, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है। अब जरा देखिए, ये जो है ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ये स्ट्रेट चेन हेक्सेन है। अब मैं इसको स्ट्रेट चेन क्यों बनाऊँ, भले ही वो ऐसा दिया हुआ है, मगर ध्यान दीजिए वो यहाँ पर लिंक नहीं है, मतलब अटैच नहीं है, और जब तक वो यहाँ पर अटैच नहीं होगा, तब तक हम लोग नहीं बोल सकते कि वो पूरा साइक्लिक कंपाउंड है। देखिए इसमें 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 6 कार्बन हो गया, ये हेक्सेन हो गया। बस आपको ये ऐसा क्यों बताया गया, ताकि आप लोग कंपैरिजन कर सकें इसमें और इसमें। ठीक है, तो देखिए क्रोमियम ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर अप्लाई किया गया, तो वो सीधे के सीधे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों बेंजीन के स्ट्रक्चर एक जैसे ही है, कोई अंतर नहीं है, बस अपना अपना रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रेट चेन को बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि हमने एरोमेटाइजेशन किया, मतलब एरोमेटिक रिंग में उसको कन्वर्ट कर दिया है, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, नाउ रिएक्शन विद स्टीम देखते हैं। रिएक्शन विद स्टीम में क्या दिया हुआ है, देखिए रिएक्शन विद स्टीम में क्या दिया हुआ है, कि स्टीम का मतलब हो गया वाटर वेपर। ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा, वाटर जो है अगर वो गैसीय स्टेट में है, तो उसको वाटर वेपर बोलते हैं। इसका टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है, समझ में है,
वाटर बॉइलिंग कंडीशन में 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, मगर जब वो वेपराइज स्टेट में होता है तो उसका टेम्परेचर मोर देन 100 होता है। तो देखिए गाइस इसमें क्या हो रहा है, मीथेन का रिएक्शन जब हम लोगों ने निकेल के प्रेजेंस में हीट किया है और बहुत ज़्यादा हैवी टेम्परेचर पर, यानी कि वाटर स्ट्रीम के साथ अगर मीथेन का रिएक्शन किया हुआ है तो हमको दो चीज़ें मिल रही हैं, ये बात याद रखना है। कौन कौन सी गैस मिलेगी, एक मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और एक मिलेगा हाइड्रोजन गैस, यानी डाइहाइड्रोजन गैस मिलेगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, पायरोलिसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि पायरोलिसिस होता क्या हुआ। तो पायरोलिसिस का मतलब होता है, पायरो मतलब हीट एनर्जी और लिसिस मतलब टूटना। देखिए पायरो का क्या मतलब हुआ, पायरो का मतलब हुआ हीट एनर्जी एंड लिसिस का मतलब हुआ टूटना। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को अगर हीट देकर, बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ हीट देकर अगर हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, पायरो कर रहे हैं मतलब लिसिस कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हाँ भाई हमने पायरोलिसिस किया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हायर अल्केन्स ऑन हीटिंग टू द हायर टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू लोअर अल्केन, यानी कि बड़े अल्केन छोटे छोटे अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड सच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस और क्रैकिंग। इसको हम लोग क्रैकिंग भी बोलते हैं और पायरोलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि वो उसी कंपाउंड में स्प्लिट होगा। देखिए जैसे कि आप, मैंने हेक्सेन लिया हुआ है, ये हेक्सेन हुआ, 6 कार्बन है। तो देखिए हेक्सेन है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक हाइड्रोजन गैस निकला और ये बन गया बेंजीन। देखिए C6H12 को बेंजीन कहते हैं, अभी अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। हो सकता है कि ये दो पार्ट में स्प्लिट अप हो जाए, एक इथेन और एक ब्यूटेन। इथेन सॉरी, ये तो इथेन हो गया और ये हो गया ब्यूटीन। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, C4H8 है, तो वो ब्यूटेन नहीं होगा, वो ब्यूटीन होगा। ठीक है, अच्छा, और एक और पॉसिबिलिटी दिया हुआ है कि हो सकता है कि इसमें मीथेन गैस निकले और इथीन बन जाए और प्रोपीन बन जाए। ठीक है, मतलब इसमें अल्केन प्लस अल्कीन दोनों बन सकते हैं, समझ में आया। अब आपको ये तो मालूम है कि अल्केन अल्कीन और अल्काइन का फॉर्मूला क्या है, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अल्कीन का फॉर्मूला होगा CnH2n होगा और अल्काइन का फॉर्मूला होगा CnH2n-2। तो कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को देखते हुए आप समझ जाइए कि वो अल्केन है कि अल्कीन है कि वो अल्काइन है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ, पायरोलिसिस ऑफ अल्केन इज बिलीव टू बी अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन क्यों बोला गया है, क्योंकि ये रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स ना हो जाए, इसीलिए उसको फ्री रेडिकल से कंपैरिजन किया हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल और गैस, पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस। यानी कि जब हम ऑयल गैस या पेट्रोल गैस बनाते हैं, किससे बनाते हैं, केरोसिन या पेट्रोल से। देखिए अभी क्या लिखा हुआ है कि जब हम ऑयल गैस बनाते हैं या पेट्रोल गैस बनाते हैं, किसे बनाते हैं भाई, केरोसिन से बनाते हैं या पेट्रोल से बनाते हैं, तो उसमें हम पायरोलिसिस का प्रिंसिपल इन्वॉल्व करते हैं। पायरोलिसिस कहने का मतलब क्या हुआ, हीट देने के बाद उसको टुकड़े टुकड़े में फ्रैगमेंट करना, ब्रेक करना। ठीक है, ओके गाइस, तो इतना काफ़ी है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि डोडेकेन। डोडेकेन का मतलब क्या, इतना कितना होता है, 12 कार्बन। डेकेन मतलब 10 कार्बन, अनडेकिन यानी 11 कार्बन, डोडेकेन मतलब 12 कार्बन। तो 12 दूनी 24, 24+2 26। तो देखिए यहाँ पे डोडेकेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर उसको हम लोगों ने प्लैटिनम, पैलेडियम या निकेल, तीनों में से किसी के भी साथ अगर इतने टेम्परेचर पे हीट किया तो हमको कितने सारे फ्रैगमेंट मिल सकते हैं। देखिए अदर प्रोडक्ट क्या मिलेंगे ये तो नहीं लिखा है, मगर देखिए यहाँ पे हेप्टेन में 7 कार्बन और पेंटेन में 5 कार्बन, 7+5=12 हो गया। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बहुत सी है, हो सकता है कि यहाँ पे ब्यूटेन मिले, फिर ऑक्टेन मिले एंड कुछ और मिले, तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। आपको इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट परफॉर्मिंग द रिएक्शन, वी आर जस्ट व्यूइंग एंड वॉचिंग द रिएक्शंस। ओके गाइस, तो इस तरीके से पायरोलिसिस के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्फर्मेशन के बारे में देखेंगे। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर नॉलेजेबल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, आपका नॉलेज इंक्रीमेंट हो रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो गाइस प्लीज़ इसे दूसरे स्टूडेंट तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ इसे बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ मैंने इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन के बारे में मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था क्लास में कि कन्फर्मेशन का मतलब होता है, हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की पोजीशन कैसी है, उनके बीच में अट्रैक्शन है, कितना अट्रैक्शन है, कितना रिपल्शन है, कितने बॉन्ड एंगल से वो दूर हैं, कितना ज़्यादा स्टेबल हैं, कितने अनस्टेबल हैं, ये सारी बातों को हम लोग कन्फर्मेशन में पढ़ते हैं गाइस। ठीक है, तो कन्फर्मेशन में यही सब बातें पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा ये सब जो थ्योरेटिकल टॉपिक है ये तो आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको डायरेक्टली आप लोगों को बताता हूँ कि क्या होता क्या है ये कन्फर्मेशन।
देखिए सबसे पहले आपके 12वीं सॉरी 11वीं के सिलेबस में, 11th के एनसीईआरटी के सिलेबस में अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री आपको इथेन का कन्फर्मेशन दिया हुआ है, और यही टॉपिक सेम टू सेम अगर आप 12th में पढ़ते हैं तो आपको जो है हेक्सेन के सॉरी ब्यूटेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ब्यूटेन। तो देखिएगा इसमें आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे दो नाम लिखा हुआ है, सोहर्स एंड न्यूमन प्रोजेक्शन। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि होता क्या, देखिए कन्फर्मेशन जो होता है, कन्फर्मेशन में जैसे कि देखिए कन्फर्मेशन अगर मैं आप लिख देता हूँ, ये हुआ कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन जो है, कन्फर्मेशन में हमको दो टॉपिक, इस टॉपिक को दो तरीके से पढ़ना पड़ता है, एक होता है सोहर्स प्रोजेक्शन और एक होता है न्यूमन प्रोजेक्शन। कन्फर्मेशन में दो चीज़ें पढ़ते हैं, सोहर्स प्रोजेक्शन एंड न्यूमन प्रोजेक्शन, ठीक है। और फिर सोहर्स प्रोजेक्शन में भी फिर दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैगर्ड और एक होता है एक्लिप्स्ड। एक होता है स्टैगर्ड जो आगे नेक्स्ट पेज पे आएगा, स्टैगर्ड, और एक होता है एक्लिप्स्ड होता है, ठीक है। वैसे ही फिर से न्यूमन में भी दो टाइप हो जाएगा, एक होगा सेम टू सेम वही टॉपिक होगा स्टैगर्ड, और एक होगा एक्लिप्स्ड हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं अभी इस समय। देखिए यहाँ पर, तो देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ कि ताकि आप लोग के मन में कुछ डाउट न रहे कि कन्फर्मेशन होता क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्फर्मेशन के बारे में लिखा हुआ है, अल्केन कंटेन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरमोलिकुलर एक्सिस of the bond which is non-disturbed due to the rotation about its axis. The permit free rotation carbon single bond. देखिए ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेनेशन में मैं बता देता हूँ, इसमें आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा ये पढ़ के। चलिए गाइस चलिए आ जाइए मेन टॉपिक पर, हम लोग पढ़ते हैं सोहर्स प्रोजेक्शन। कन्फर्मेशन का कन्फर्मेशन इस टॉपिक में हमको दो टॉपिक पढ़ना है, सोहर्स एंड न्यूमन। सोहर्स एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है। सोहर्स ने हमको इथेन का दो स्ट्रक्चर बताया है, इथेन के दो स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। एक बताया है उसने, एक बताया है एक्लिप्स और एक बताया है स्टैगर्ड। तो देखिए गाइस ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं सोहर्स नाम के इंसान ने, इन साइंटिस्ट ने दो प्रोजेक्शन बताया है, एक है एक्लिप्स और एक है स्टैगर्ड। तो ठीक है ये कैसे बताया मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इथेन का फॉर्मूला क्या होता है। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 होता है। इसका ये मतलब हुआ कि C2H6 मतलब एक होगा, देखिए C2H6 में हम लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे लिखते हैं। तो देखिएगा इस एक कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है, ऐसे दो कार्बन हो गए और खुद दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो जो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सबके सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं, आपको ये तो मालूम होगा। तो चलिए गाइस हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे बताया उसने। देखिए स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, तो देखिए सोहर्स ने क्या कहा है कि देखिए हम दो कार्बन को ज्वाइन करेंगे, एक ये कार्बन हो गया जहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया हुआ, एक दूसरा कार्बन ये हो गया। समझ में आया आपको? तो देखिए इस कार्बन के तीन हाइड्रोजन कुछ ऐसे हैं, 1, 2 एंड 3, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन ऐसे हैं 1, 2 और 3, ये तीन हाइड्रोजन हो गया और इस तरीके से उसको बॉन्ड बना दिया गया, ठीक है। ओके गाइस ये हो गया एक्लिप्स कन्फर्मेशन, ये हो गया एक्लिप्स कन्फर्मेशन, ठीक है। मतलब स्टैगर्ड ये जो हुआ एक्लिप्स कन्फर्मेशन किसका हुआ, सोहर्स प्रोजेक्शन का एक्लिप्स कन्फर्मेशन हुआ। चलिए आगे देखते हैं इस तरफ देखते हैं स्टैगर्ड में। तो स्टैगर्ड में जरा ध्यान से देखिए, स्टैगर्ड में भी वही बात है कि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, फिर इसके तीन हाइड्रोजन ऐसे चौके हुए हैं, इसके तीन हाइड्रोजन ऐसे चौके हुए हैं। देखिए इसमें डॉट एंड लाइन, यानी कि इसमें डॉट एंड लाइन का यूज करके हमको CH3 बनाया गया है सोहर्स के द्वारा, ठीक है। तो हमको अगर ध्यान से देखें तो इनमें डिफरेंस क्या दिख रहा है, डिफरेंस आपको कुछ समझ में आ ही नहीं होगा। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर एकदम सेम है, ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, हाइड्रोजन की पोजीशन एकदम एक जैसी है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ऊपर की ओर है, ये वाला हाइड्रोजन उतने ही एंगल से है और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये भी यहाँ पर उतना ही है। तो फिर अंतर किस बात का है, जरा देखिए ऊपर का कार्बन देखिए, ये वाला जो पोजीशन है ये देखिए और ये वाला जो पोजीशन है वो देखिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। देखिए स्टैगर्ड में क्या है कि तीनों हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल बहुत ही डिफरेंट है, यानी कि इन तीनों हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है स्टैगर्ड में, मगर इन तीनों हाइड्रोजन के बीच में अगर देखा जाए थ्री डायमेंशनली तो इन तीनों के बीच में डिस्टेंस उतना क्लियर नहीं है, मतलब डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है। हाइड्रोजन में डिस्टेंस नहीं होने के कारण वो हाइड्रोजन पास में है, मतलब वो नियर हो जाते हैं। अगर हाइड्रोजन बहुत नियर में आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं, तो उनके बीच में स्ट्रेस यानी कि टेंशन क्रिएट होता है। स्ट्रेस कहने का मतलब अनस्टेबिलिटी या रिपल्शन भी बोल सकते हैं। तो रिपल्शन होगा, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा, इसके कारण जो एक्लिप्स कन्फर्मेशन है वो अनस्टेबल हो जाता है, मगर जो स्टैगर्ड होता है वो स्टेबल कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। याद रखने के लिए बताना चाहूँगा S4 स्टेबल, S4 स्टैगर्ड, ये स्टेबल कन्फर्मेशन होता है क्योंकि हाइड्रोजन का एक दूसरे से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, अब एक बात और सुन लीजिए कि अगर इसमें स्टेबिलिटी है, इसका
इसका मतलब है कि इसके अंदर एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। एनर्जी की वैल्यू किस में कम होगी? स्टैगर्ड में कम होगी, और वही एनर्जी की वैल्यू एक्लिप्स में ज़्यादा होगी। समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए, ये जो हम लोगों ने पढ़ा वो हॉर्स के बारे में पढ़ लिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा। दिस इज न्यूमन प्रोजेक्शन। न्यूमन प्रोजेक्शन के बारे में क्या दिया हुआ है? देखिए न्यूमन प्रोजेक्शन आ गया आपके सामने। न्यूमन प्रोजेक्शन इससे ज़्यादा इजी है और बहुत बढ़िया है। देखिए सेम टू सेम वही बात है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए पहला जो कार्बन है वो ये वाला सेंटर वाला कार्बन है, और दूसरा जो कार्बन है वो सर्कल वाला कार्बन है। देखिए सर्कल से हम सेकेंड कार्बन को डिनोट करते हैं, सर्कल से हम लोग सेकेंड कार्बन को डिनोट करते हैं, एंड फर्स्ट कार्बन से हम लोग फर्स्ट कार्बन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए देखिए, जो पहला वाला जो कार्बन है, यानी कि जो डॉट वाला जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन ये हो गया एक। जो ब्लैक लाइन जो है वो पहले वाले कार्बन के हाइड्रोजन है, ठीक है। और जो दूसरे और जो ब्लू वाला जो लाइन है वो सेकेंड वाले कार्बन के हाइड्रोजन हो गए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। इस तरीके से देखिए उसने सी एस सी को जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन हुआ। एक्लिप्स आपको समझ में आ रहा है? एक्लिप्स कहने का मतलब है कि देखिए दोनों हाइड्रोजन आसपास ही हैं, दोनों हाइड्रोजन आसपास है, मतलब कि फर्स्ट ये वाले दोनों हाइड्रोजन आसपास हैं, ये वाले दोनों हाइड्रोजन आसपास हैं, ये दोनों हाइड्रोजन आसपास हैं। अगर हाइड्रोजन आसपास होंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में रिपल्शन होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा, स्ट्रेन क्रिएट होगा, और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने के कारण क्या होगा कि इनमें अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो देखिए मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि इसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एक्लिप्स कन्फर्मेशन का, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड में क्या होगा? देखिए स्टैगर्ड में फिर से ये हो गया पहला कार्बन, एक मिनट, ये हो गया एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है, गॉड शिट, जस्ट वेट। हाँ अब यहाँ देखिए, ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन जो सर्कल में बनाया हुआ है। देखिए जो पहले कार्बन का हाइड्रोजन है वो ये हो गया, फिर उसका दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। सेकेंड कार्बन का हाइड्रोजन ब्लू लाइन से यहाँ बनाया गया है, कि यहाँ बनाया गया है, कि यहाँ बनाया गया और एक यहाँ बनाया गया। अब देखिए सभी हाइड्रोजन बहुत दूर दूर है। जब हाइड्रोजन दूर दूर है तो इसका मतलब है कि उनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और एनर्जी कम रहेगी। समझ में आएगा? इस एक बात और याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा किसके बीच में, दो हाइड्रोजन के बीच में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे 60 60 60 60 60 एंड 60, यानी कि पूरा 36 हो जाए, यानी कि 360 डिग्री पूरा कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया आप लोग को? तो बॉन्ड एंगल दो हाइड्रोजन के बीच का इसमें समझ में आ रहा है, स्टेबिलिटी समझ में आ रहा है, एनर्जी बहुत कम है इसलिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और एनर्जी क्यों कम है? क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन की मात्रा बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर दूर है, दूर दूर होने से इनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं होता है। समझ में आया आप लोग को? ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया अपना पूरा क्लियर कट स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ये हो गया पूरा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है गाइस। न्यूमन प्रोजेक्शन और सोहर्स प्रोजेक्शन में यही तो अंतर है कि सोहर्स प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है लाइन और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं सोहर्स को, और जो न्यूमन जो होता है न्यूमन में हम लोग डॉट एंड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस समझ में आएगा? गाइस आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सब समझ में आया है, नॉलेज अगर आप लोग का इंक्रीमेंट हुआ है, तो प्लीज़ इसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तक उसे शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू गाइस। महात्मा लड्डो जब जल्दी करो, ये रखे रखा। वेलकम बैक गाइज वंस अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल दैट इज बायोकेमेडिक्स। गाइज वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गाइज प्रीवियस क्लास में हम लोग मैंने अल्केन के बारे में पूरा स्टडी कर लिया था, कंप्लीट स्टडी कर लिया था, एंड नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द हाइड्रोकार्बन चैप्टर 11th क्लास केमिस्ट्री एनसीईआरटी दैट इज अल्कीन। गाइज अल्कीन का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? अल्कीन, व्हाट इज अल्कीन? अल्कीन का फॉर्मूला आपको पता है, अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। बहुत ही ईजी है, इसका ये मतलब है कि जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना, बहुत ईजी है।
अच्छा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अल्केन की शुरुआत एक कार्बन से होती है, मगर अल्किन की शुरुआत दो कार्बन से होती है, क्योंकि गाइस यहाँ पे डबल बॉन्ड देना है और डबल बॉन्ड्स एक कार्बन के बीच में हो नहीं सकता है, इसलिए इसका पहला मेंबर, अल्किन का पहला मेंबर याद रखिएगा वो होता है इथीन इन IUPAC एंड इथिलीन एज अ कॉमन नेम। समझ में आ गया गाइस? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अल्किन के बारे में देखते हैं कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बुक में आपके दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अब वो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले दिया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होता है गाइस, मैं थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस आपको देना चाहूँगा, आई होप सो आपको ये पता होगा, फिर भी मैं बताना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि देखिए दो कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, कम से कम दो कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो उसमें जो एक बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, दूसरा होता है पाई। एक बात याद रखिएगा कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ बॉन्ड हो, मगर एक सिग्मा तो एक ही रहेगा गाइस, सिग्मा हमेशा एक ही रहता है, जंगल का शेर एक ही होता है, बाकी तो सब बकरे बहुत से होते हैं। इसका मतलब है कि ये कमजोर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड वाइल सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है गाइस, तो सिग्मा बॉन्ड एक ही रहेगा चाहे बॉन्ड कितने भी हों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है इसमें, ये सब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपको जो मेन जो टॉपिक है, जो मेन बेसिक थीम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, कम टू द पॉइंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत ही प्यारा डायग्राम आपके स्क्रीन पर है, दिख रहा है आप लोगों को, देखिए गाइस हम लोग इसको इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए एक्चुअली दिया क्या है मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है आपको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बारे में बताया गया है, देखो ये वाला एक कार्बन हो गया, ये वाला एक कार्बन हो गया, ठीक है गाइस, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए एक हुआ ये एक सिंगल बॉन्ड हुआ, ये एक सिंगल बॉन्ड हुआ, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये ओवरलैपिंग में आ रहा है, ठीक है, ये होगा सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है गाइस, ओके। अच्छा अब जो है देखिए ये क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इथिल का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ठीक है। तो देखिए ये कार्बन से ये एक हाइड्रोजन गया, ये एक हाइड्रोजन गया, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बन रहा है, ये हुआ CH2, ये हुआ CH2, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड कहाँ गया, तो डबल बॉन्ड एक्चुअली यहाँ पे शो नहीं किया है, मगर मैं बताना चाहूँगा डबल बॉन्ड कैसे हो रहा है। देखिए एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए उसका, थोड़ा सा इसमें मतलब ये एक वो ये सोच के बताया कि आप लोग को मालूम होगा, मैं बता देता हूँ कि एक एक ओवरलैप ऐसा होगा और एक ओवरलैप ऐसा होगा इस तरीके से, ये इसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये कार्बन का ऑर्बिटल होगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, जो मैं बता रहा हूँ, जो बुक में नहीं दिया हुआ, डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, बट मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ये यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा ऐसे, वो हो जाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है, ओके गाइस। तो इस तरीके से एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बन गया और CH2 भी बन गए हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम है ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, दैट इज इथीन का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हुआ इथीन का हुआ, ये डबल डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, ओके। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ कि ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथीन डिपिक्टिंग सिग्मा बॉन्ड ओनली, यानी जानबूझकर उसने क्या है पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं किया था, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि एक ऑर्बिटल ऐसा होगा इस तरीके से, यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल ऐसा होगा, उसने इसको शो नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड शो करता है और ये जो है वो सिग्मा तो बता ही रहा है, ठीक है। तो उसने जानबूझ के बताया है ताकि उसको मालूम है कि भाई NCERT केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, उनको मालूम होगा कि भाई सिग्मा बॉन्ड होगा, तो हम उसको क्यों शो करें। चलिए गाइस मैंने आप लोग को बता दिया अपने इस वीडियो में, ठीक है। चलिए अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं एंड अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर पार्ट ऑफ द अल्कीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। और अभी अभी जो हम लोगों ने जो टॉपिक फिनिश किया है उसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ड्रॉ द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कीन और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा दो मार्क का क्वेश्चन आता है 11th क्लास में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे जो है यहाँ पर देखिए हम लोगों ने अभी जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथीन शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड क्लाउड, ये सब दिया हुआ है, हालांकि ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, देयर इज नो नीड फॉर दैट। देखिए इस ये वाला स्ट्रक्चर देखिए मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने अभी अभी आपको बना के बताया था, देखिए इसमें पूरा वही स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी भी आपको बताया था कि ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये होगा CH2, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया गाइस और ये हो गया पाई बॉन्ड। देखिए जो डॉटेड लाइन में जो बता रहा है वो पाई बॉन्ड है। अब आप लोग ये मत बोलेगा कि ये दो पाई बॉन्ड कैसे हुए, पाई बॉन्ड एक ही है, पाई बॉन्ड एक ही है। देखिए ऑर्बिटल ये है, दो ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी एक ऑर्बिटल के दो लोब्स होते हैं, ये ऊपर वाला लोब हो गया और ये नीचे वाला लोब हो गया। तो आप किसी भी एक तरफ से शो कीजिए, चाहे इसको पाई बॉन्ड बना दीजिए, नहीं तो फिर इसको पाई बॉन्ड बना दीजिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, पाई बॉन्ड एक ही है, मगर उसने ऊपर नीचे दोनों तरफ से बता दिया, यानी कि अबाउट द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, मगर देखिए पाई बॉन्ड एक ही जगह लिखा हुआ है, समझ में आया आपको।
ठीक है, अभी जो हम लोगों ने देखा था ऊपर वाला ग्राफ, सॉरी डायग्राम, बिल्कुल वही ग्राफ, वही डायग्राम यहाँ पे फिर से बनाया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नॉर्मल क्लेचर पार्ट की ओर। बहुत इजी इजी एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, पहले ही हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड आईपीसी में। तो गाइस सबसे पहले देखिए ये जो पहला वाला जो एग्जांपल है इसमें कितने कार्बन है, तीन कार्बन है। तो तीन कार्बन वाला अल्केन कौन सा होगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन का सफिक्स ए एन ई है, हमको इसको अल्कीन में कन्वर्ट कर देना है, ईन में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया प्रोपेन। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में चार कार्बन है, चार कार्बन में से देखिए यहाँ पर क्या है, चार कार्बन है तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सेकेंड है ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट कार्बन से शुरू हो रहा है डबल बॉन्ड, इसलिए वो ब्यूट वन इन कहलाएगा, या वन ब्यूटीन भी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, उसमें चार कार्बन है, चार कार्बन में से सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। देखिए दो इस तरफ से अगर आप काउंट करते हैं, अगर आप लेफ्ट से काउंट करेंगे तो भी ये सेकेंड कार्बन है, और अगर राइट से काउंट करते हैं तो ये सेकेंड कार्बन है। तो सेकेंड और सेकेंड के बीच में है, ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा ब्यूट टू इन या टू ब्यूटीन। ठीक है, उसके बाद देखिए, अच्छा देखिए इसमें एक ही डबल बॉन्ड है तो उसने ब्यूट टू इन कहा। अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें देखिए चार कार्बन है, यहाँ पर चार कार्बन है, इसमें देखिए अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन होगा और ये थर्ड कार्बन होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड पे दो बार डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ ब्यूटा वन थ्री डाइन। डाई का मतलब हुआ दो और इन का मतलब हुआ अल्किन, यानी कि दो बार अल्किन वहाँ पर, दो बार डबल बॉन्ड वहाँ बना हुआ है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होगा नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, और लॉन्गेस्ट चेन इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि उसमें डबल बॉन्ड आ जाए। तो देखिए अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो भी डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो भी डबल बॉन्ड आएगा। तो आपकी इच्छा है, अगर मैं स्ट्रेट चेन वाला मानता हूँ तो ये प्रोपीन होगा, और प्रोपीन के सेकेंड कार्बन पर मिथाइल होगा। ठीक है, तो अगर ये सेकेंड कार्बन होगा तो हमको इसको फर्स्ट कार्बन बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, टू मिथाइल प्रोप वन इन, या टू मिथाइल वन प्रोपीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद जो नीचे में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें क्या बताया गया, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें क्या बताया गया, हमको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि उसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए। तो ये डबल बॉन्ड आ गया, ये फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और तीसरे पे मिथाइल है, तो नाम क्या पड़ेगा, थ्री मिथाइल ब्यूट वन इन। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में अगर हम लोगों ने इसको मिथाइल पहले से रीड कर दिया है तो इसको अब टोटल कार्बन में नहीं गिनेंगे, अब हमको जो बचा हुआ कार्बन है उसको ही गिनना है। तो इसमें इसलिए इसको ब्यूट वन इन बोला गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम देखते हैं इधर इस तरफ, नेक्स्ट टॉपिक में आइसोमराइजेशन का टॉपिक है। तो आइसोमराइजेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, इस वीडियो में इतना इतना ही। ठीक है गाइस, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।